दोस्तों आईपीएल 2024 के 33वें मैच में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस एक दूसरे के आमने सामने होंगी। पॉइंट टेबल की तरफ देखें तो इस सीजन में दिन दोनों ही टीमों का एक जैसा हाल है। मुंबई और पंजाब ने 6-6 मैच खेले हैं और दोनों ही टीमें सिर्फ 2-2 मैच जीत पाई हैं, इसलिए दोनों टीमों की कोशिश होगी इस मैच को जीतकर पॉइंट टेबल में अपनी स्थिति सुधारने की। आज की इस वीडियो में हम पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 के आधार पर कंपेरिजन करने वाले हैं, जानेंगे कि कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं पंजाब और मुंबई के बीच भिड़ंत का बेसब्री से इंतजार, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों आईपीएल 2024 से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्लेइंग 11 से पहले जानते हैं पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। तो दोनों टीमों के बीच अब तक आईपीएल में 31 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 15 मैच पंजाब ने जीते हैं, तो वहीं मुंबई ने पंजाब से एक ज़्यादा 16 मैच जीते हैं। इस तरह से अब तक दोनों टीमों के बीच भिड़ंत कांटेदार रही है। और दोस्तों अब कंपेरिजन करते हैं पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच। सबसे पहले टॉप ऑर्डर पर नज़र डालते हैं तो पंजाब के लिए ओपन करेंगे अथर्व ताड़े और जॉनी बेरिस्टो। फिर नंबर 3 पर पर्व सिमरन सिंह खेलेंगे, जबकि मुंबई के लिए रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव उतरेंगे। कंपेरिजन करें तो एमआई का टॉप ऑर्डर में पलड़ा भारी है। पंजाब की तरफ से बेरिस्टो और पर्व सिमरन खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, धवन इंजरी की वजह से नहीं खेल पाएंगे, जबकि एमआई के तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज फॉर्म में है। सूर्य कुमार यादव की वजह से एमआई की बैटिंग बहुत सॉलिड लगती है। आरसीबी के खिलाफ स्काई ने सिर्फ 19 गेंदों में 52 रन ठोक दिए थे। रोहित शर्मा ने भी पिछले मैच में सेंचुरी ठोकी थी, इसलिए टॉप ऑर्डर में मुंबई का पलड़ा भारी है। टॉप ऑर्डर के बाद दोस्तों अब मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो पीवी केस के लिए नंबर 4 पर जितेश शर्मा, नंबर 5 पर लियाम लिविंगस्टन, नंबर 6 पर शशांक सिंह और 7वें नंबर पर आशुतोष शर्मा उतरेंगे, जबकि एमआई के लिए नंबर 4 पर हार्दिक पांड्या, 5 पर तिलक वर्मा, नंबर 6 पर टिम डेविड और 7वें नंबर पर रोमारियो सेपर्ड उतरेंगे। कंपेरिजन करें तो पंजाब और मुंबई का मिडिल ऑर्डर टक्कर का और बराबरी का है। पंजाब की टीम में लिविंगस्टन, शशांक और आशुतोष के रूप में 3 तगड़े बिग हिटर हैं और तीनों ही फॉर्म में हैं, जिससे पंजाब का मिडिल ऑर्डर मजबूत लग रहा है। पिछले 3 मैच में शशांक और आशुतोष ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी को इम्प्रेस किया है, जबकि दूसरी तरफ मुंबई के मिडिल ऑर्डर में भी एक से बढ़कर एक मैच बनर हैं। तिलक वर्मा और टिम डेविड बढ़िया फॉर्म में हैं। वेस्ट इंडीज के रोमारियो सेपर्ड ने भी दिल्ली के खिलाफ सिर्फ 10 गेंद में 39 रन ठोक दिए थे। इस तरह से मुंबई और पंजाब का मिडिल ऑर्डर में पलड़ा बराबर है। वहीं दोस्तों बात करते हैं पंजाब और मुंबई के लोअर ऑर्डर की, तो पंजाब के लिए नंबर 8 पर सैम करन, नंबर 9 पर हर्षल पटेल, 10 पर अर्शदीप सिंह और 11वें नंबर पर कागीसुर अबाड़ा उतरेंगे, जबकि मुंबई के लिए 8वें नंबर पर मोहम्मद नबी, 9 पर श्रेयस गोपाल, 10 पर गेराल्ड कोइटजी और 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह उतरेंगे। लोअर ऑर्डर में भी मुंबई और पंजाब का पलड़ा बराबर लग रहा है। पंजाब की तरफ से अर्शदीप और रबाड़ा शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। 6 मैच में अर्शदीप और रबाड़ा दोनों ने 9-9 विकेट लिए हैं। हर्षल ने भी पिछले 2 मैच में अच्छी गेंदबाजी की है, जबकि मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह और गेराल्ड कोइटजी अपनी घातक गेंदबाजी से कहर बरपा रहे हैं। 6 मैच में यॉर्कर किंग बुमराह ने 10 और कोइटजी ने 9 विकेट लिए हैं। पिछले 2 मैच में श्रेयस गोपाल ने भी बढ़िया गेंदबाजी की है। ऐसे में दोस्तों दोनों टीमों का बॉलिंग में पलड़ा बराबर है। दोस्तों ओवरऑल इस कंपेरिजन में मुंबई इंडियंस का पलड़ा बहुत भारी लग रहा है, क्योंकि एमआई पल्टन का टॉप ऑर्डर पीवी केस के टॉप ऑर्डर से बेहतर है। आपके हिसाब से कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है और कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारने वाली है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें।